डेढ़ महीने पहले हुई शादी को दुल्हन नाटकीय अंदाज में तोड़ दिया। लड़की का कहना कि उसे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, नौकरी करनी है और अपने पैर पर खड़ा होना है, जिसमें उसका पति और उसके घर वाले बाधक बन रहे हैं, ऐसी शादी को नहीं मानती है। भागलपुर जिले का ये मामला है। दुल्हन के फैसले ने उसके मायके और ससुराल के साथ ही गाँव वालों को बेचैन कर दिया। मामला पंचायत तक पहुँच गया, जहाँ लड़की अपने फैसले पर अड़ी रही। दुल्हन की जिद के आगे गांव वालों ने भी हार मान ली और उसके बाद लड़की के फैसले पर मुहर लगा दी। पूरा मामला गंगनिया पंचायत का है, जहां 19 साल की नेहा ने 26 जुलाई को ग्राम कचहरी में एक याचिका दायर कर अपने पति सुनील कुमार से अलग होने की मांग की थी। नेहा और सुनील की शादी महज डेढ़ महीने पहले ही हुई थी। नेहा ने अपनी याचिका में कहा कि वो शादी के बाद अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उसके पति और ससुराल वाले इसके खिलाफ थे। उसने अपनी बात सबके सामने रखी तो उन्होंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद नेहा पढ़ाई और आगे कुछ बनने के लिए ससुराल से भाग गई और पटना पहुंच गई। इस बीच जहांगीरा गांव निवासी नेहा के पिता गुरुदेव पंडित ने अपनी बेटी के अपहरण की आशंका जताते हुए सुल्तानगंज थाने में शिकायत की। 12वीं पास नेहा को किसी तरह पुलिस शिकायत के बारे में पता चला और उसने सरपंच दामोदर चौधरी से संपर्क किया और मामले में सहयोग की मांग की। इसके बाद 28 जुलाई को दोनों परिवारों की फतेहपुर गांव में एक बैठक बुलाई गई। ग्राम कचहरी में नेहा ने कहा कि उसने दबाव में शादी की थी। इस दौरान सरपंच ने दोनों परिवारों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में नेहा और उसके पति के बीच अलगाव के फैसले पर मुहर लगा दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि नेहा बालिग है और अपना जीवन जीने का तरीका चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद एक समझौते पर हस्ताक्षर कराया गया, जिसमें दोनों परिवारों ने भविष्य में नेहा पर दबाव न डालने या अलग होने के लिए उसे दोष न देने पर सहमति जताई। क्या नाम हुआ आपका? गुरुदेव पंडित। आपका कौन है जो? मेरी बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी नेहा कुमारी। नेहा कुमारी, क्या कारण था जो 45 दिनों में रिश्ता टूटा? क्या कारण? वही पढ़ाई के लिए रिश्ता, वो पढ़ना चाहता था और ससुराल वाले उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। मैं इसी की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लिया। और इसी कारण रिश्ता? इसी कारण से वो अपना चले गए। जैसे रिश्ता टूटा, वो ग्रामीण पंचायत के अनुसार से ऐसा फैसला हुआ, उसके बाद वो अपना जगह पटना चले गए पढ़ने के लिए। पर अभी भी पटने में कंपटीशन का तैयारी कर रहा, आईटीआई कंपटीशन। आईटीआई जी। तो क्या ये ने जो रिश्ता टूटा, कैसे? सरपंच की मौजूदगी क्या? ग्रामीण सरपंच के द्वारा जी, मुखिया चार सरपंच सर दोनों पक्ष का गनगनिया सामुदायिक भवन में जी। तो वहाँ हाँ लिखा पड़ी हुआ है सारा। अच्छा जी। स्टाम्प पेपर? स्टाम्प पे, 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर है। हाँ लिखा पड़ी हुआ जी। प्रकाश कुमार हुआ। और सुनील जो शादी हुआ था जहांगीरा में, मेरा भाई हुआ है। भाई जी। क्या मामला था, क्यों 45 दिन में रिश्ता तोड़ा, क्या कारण था? कारण तो सर हम ये कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो लड़की के ही मन में क्या हुआ है, लेकिन उनके बातों विचार से समझ में आया कि वो आगे पढ़ना चाहते थे। जैसा कि उन्होंने पेपर में भी, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमको बताना वो चाहे, तो शायद उनके मन की बात को हम समझ पाए कि वो पढ़ना चाहते थे। किस वजह से वो आगे इस रिश्ता को नहीं रखना चाहिए और वो मतलब आकर के खुद बयान दें कि मैं इस रिश्ता को तोड़ रही हूँ, मुझे आगे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए क्या हमने सरपंच वहाँ में हुआ, पंचायत ग्राम पंचायत गनगनिया में उनका मतलब सभी पंचों के बीच किया गया। उसमें पंच, सरपंच, मुखिया जी थे एवं जनता जनार्दन जितने भी जनता लोग थे, सभी का सहयोग, सबके सामने इस तरह करके बात बोला गया, भाई हम वहाँ नहीं रह सकते, हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसके 1000 के स्टाम्प पेपर पे हुआ जी। वहाँ पे स्टाम्प पे उन्होंने मतलब कि सभी का हस्ताक्षर के साथ कार्य को संपन्न किया गया। सर ग्राम पंचायत गणनिया का सरपंच बोल रहा हूँ। नाम? मेरा नाम विजय कुमार दास। पिता का नाम जो है। क्या कारण था सर जो लड़का लड़की का जो मामला था 45 दिनों में रिश्ता टूट गया, क्या कारण था? कारण यह है कि सभी पंचों के बीच लड़की से जो है हम जो है बयान लिए जो है, अब बयान में जो है मतलब जो है लड़की मतलब जो है पति के साथ जो है रहना नहीं चाहती है, इनकार चली गई जो है। हाँ,
पति के साथ रहने से इनकार चली गई। क्या कारण था इनकार कर रहा था? क्या कारण था इनकार कर रहे? ये पति पत्नी का मामला जो है अंदरूनी मामला जो है, हम यही मतलब जो है कि अंदरूनी मामला है जो है पति पत्नी के बीच जो है ना अंदरूनी मामला है। तो क्या कहे, लड़की नहीं रहना था? हाँ, लड़की जो है सभी पंचों के बीच जो है हम बुला करके जो है बयान लिए, बयान में सभी पंचों के बीच में जो है बोली कि मैं उस घर में पति के साथ जो है नहीं रहूंगी। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? तब जो है हम डिसीजन लिए, जब लड़की नहीं रहेगी तो जो है मैंने जो है उसको जो है लिख करके जो है पति पत्नी के बीच का जो संबंध था, दोनों का संबंध को जो है विच्छेद कर दिए जो है।